Ben 10 Classic vs Ben 10 Reboot vs Ben 10 Omniverse vs Ben 10 Ultimate Alien। अगर कभी इन चारों बेंस के बीच में फाइट देखने मिलते तो फाइट करूँगा कौन होगा, तो यार मैं चारों ही सीरीज से तीन तीन एलियन लूँगा और फिर उनका बैटल कराऊँगा। लेकिन अगर मैंने 5 लिए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको मज़ा भी नहीं आएगा, इसलिए 3 लूँगा बहुत ज़्यादा पावरफुल चारों सीरीज के। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो पहले आपको रूल बता देता हूँ कि Ben 10 रिबूट वर्सेस होगा Ben 10 क्लासिक और Ben 10 अल्टीमेट एलियन वर्सेस Ben 10 ओमनीवर्स। दोनों में से जो जीत जाएंगे वो एक दूसरे से फिर लड़ेंगे। अगर रूल नहीं समझे तो आगे देख लेना। पहले मैं तीनों ही बैटल कर लेता हूँ Ben 10 रिबूट वर्सेस Ben 10 क्लासिक के। तो पहले बैटल की तरफ चलते हैं जिसमें Ben 10 रिबूट की तरफ से आ रहा है कैनन बोल्ट और Ben 10 क्लासिक की तरफ से आ रहा है हीट ब्लास्ट। तो दोनों ही एलियंस को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो पहले बता देता हूँ आपको कैनन बोल्ट के बारे में। तो कैनन बोल्ट के पास कई सारे पावर्स एबिलिटीज हैं जैसे कि इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी और इनहेंस्ड स्पीड, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा अपने को रोल करके बॉल की तरह शेप देके बहुत दूरी तक जा सकता है। ये इसकी एक पावर है जिससे किसी पर भी ऐसे में अटैक भी कर सकता है। तो ये है इसकी इनहेंस्ड स्पीड की पावर। अब बता देता हूँ इसकी वीकनेस। तो यार इसकी वीकनेस कुछ खास नहीं है, बट जब ये एक बार अपने रोलिंग शेप में स्पीड पकड़ लेता है तो इसको रोकना मुश्किल हो सकता है खुद इसके लिए भी। मतलब अगर ये कभी ज़्यादा तेज ने स्पीड पकड़ ली तो ये किसी चीज़ से टकरा भी सकता है या फिर किसी चीज़ को तोड़ भी सकता है। तो ये थे इसके पावर्स और एबिलिटीज़ और वीकनेस। अब बताता हूँ इसके अपॉइंट की, जो कि है हीट ब्लास्ट। तो यार हीट ब्लास्ट के पास भी कई सारे पावर्स एबिलिटीज़ हैं, इसकी इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी, पायरोकिनेसिस, पायरो इम्यूनिटी, ये फायर में भी ब्रेथ कर सकता है। तो यार ये इसकी बहुत सारी पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं। मतलब कि पायरोकिनेसिस एक साइकिक पावर जैसा अटैक होता है जिससे कि ये फायर को क्रिएट कर सकता है, तो और फायर बॉल्स को भी थ्रो कर सकता है अपने अपोनेंट पर फाइट के टाइम पर। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों में कोई फाइट होगा तो फाइट करना कौन होगा। तो यार इन दोनों की फाइट करना होगा इजीली हीट ब्लास्ट। या हीट ब्लास्ट के पास कई सारे पावर एबिलिटी हैं जिनसे वो इजीली कैनन बोल्ट को डिफीट कर सकता है। तो पहला हमें विनर मिल चुका है हीट ब्लास्ट। तो अब चलते हैं सेकेंड राउंड की तरफ। तो सेकेंड राउंड में Ben 10 रिबूट की तरफ से आ रहा है एक्सलरेट और Ben 10 क्लासिक की तरफ से आ रहा है अपग्रेड। इन दोनों एलियंस को भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो पहले बता देता हूँ आपको एक्सलरेट के बारे में। तो यार एक्सलरेट के पास है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी और इनहेंस्ड स्पीड, यानी कि कितनी भी स्पीड पकड़ सकता है, बहुत तेज़ी से दौड़ता है। ये दीवार पर भी बहुत तेज़ी से स्पीड कर सकता है, मतलब कि बहुत तेज़ दौड़ सकता है वॉल पर जिसमें कि वो सीधी नहीं होती, और वाटर में भी दौड़ सकता है बहुत तेज़, जिससे कि अगर घूमे भी तो उसमें बवंडर पैदा हो सकता है। तो ये हैं इसके कुछ पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज़। अब बताता हूँ इसकी वीकनेस। तो इसकी वीकनेस भी सिमिलर है कैनन बोल्ट की तरह, मतलब ये भी अगर एक बार स्पीड पकड़ ले तो इसे रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कभी कभी ये भी अपनी स्पीड पर काबू करना खो देता है, कभी कभी, इसके साथ ज़्यादातर नहीं होता, इसके साथ कभी कभी। अब बात कर लेते हैं इसके अपॉइंट की। तो इसका अपॉइंट था अपग्रेड। अपग्रेड के पास भी कई सारे पावर्स एबिलिटीज़ हैं, इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी, और यार वो किसी भी चीज़ पर मर्ज होकर उसे इजीली कंट्रोल कर सकता है, मानो उसे बिगाड़ सकता है या फिर उसे और अच्छा भी कर सकता है। टेक्नोकिनेसिस की पावर है, यानी कि ये किसी भी अपने आसपास के डिवाइसेस को अपने थॉट से ही कंट्रोल कर सकता है, ये एक साइकिक पावर ऐसा अटैक होता है। और भी कई सारे पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज इसके पास हैं, इलेक्ट्रोकिनेसिस भी ये कर सकता है। तो यार अब बात कर लेते हैं इन दोनों में कोई फाइट होगा तो फाइट करना कौन होगा। तो यार इन दोनों की फाइट कमांड होगा इजीली अपग्रेड। यार एक्सलरेट ऐसा तो है नहीं कि फाइट के टाइम पूरे टाइम भागता ही रहेगा, तो कभी तो रुकेगा ही, इस तो उस समय अपग्रेड उस पर इजीली अटैक कर सकता है जिससे कि वो डिफीट हो जाएगा। तो सेकंड विनर मिल गया हमको, वो है अपग्रेड। अब चलते हैं अपने थर्ड राउंड की तरफ। तो थर्ड राउंड में Ben 10 रिबूट की तरफ से आ रहा है डायमंडेड और Ben 10 क्लासिक की तरफ से आ रहा है फोर आर्म्स। तो दोनों एलियंस को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, बहुतों के ये दोनों एलियंस फेवरेट भी होंगे। तो गाइस पहले जान लेते हैं डायमंड डेड की पावर्स और एबिलिटीज़। तो यार डायमंड डेड के पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एलिटी ऐसी पावर्स हैं, और ये क्रिस्टलोकिनेसिस अटैक भी कर सकता है, यानी कि क्रिस्टलोकिनेसिस एक साइकिक पावर अटैक होता है क्रिस्टल का, यह क्रिस्टलों को कहीं पर भी क्रिएट कर सकता है। ये क्रिस्टल की चाहे वॉल बना सकता है या फिर क्रिस्टल की रोड बना सकता है, उन पर ईजिली स्लाइड भी कर सकता है। तो ये थे इसके कुछ पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज़। अब बात कर लेते हैं इसकी वीकनेस की। तो इसकी वीकनेस है मतलब कि इसको तेज़ वॉइस से इजीली डिफीट किया जा सकता है,
मतलब कि अल्टीमेट एको एको या फिर नॉर्मल एको एको इसको अपने सोनिक वेव अटैक से इजीली डिफीट कर सकते हैं। तो यार ये थी इनकी कुछ पावरफुल पावर्स एनालिटीज और वीकनेस। अब बात कर लेते हैं इसके अपोनेंट की जो कि है फोरआर्म। तो यार फोरआर्म्स भी बहुत फेवरेट एलियन है सभी लोगों का, बेंटन फैंस का। तो इसके भी कई सारे पावर्स एनालिटीज हैं, इसकी निंजा स्ट्रेंथ, एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी, एनहांस्ड एजिलिटी, और ये अपने चारों हाथों की पावर से एक शॉक वेव भी क्रिएट कर सकता है अपने चारों हाथों की पावर से, और ये कितनी भी लंबी जंप लगा सकता है। और ये अपने अपोनेंट को जब भी ज़्यादा मारता है तो उस पर पंच का ज़्यादा अटैक करता है, तो इसके पंच भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी वीकनेस की। तो यार इसकी वीकनेस बहुत छोटी है, मतलब बहुत कम है कि ये सिर्फ छोटी जगह यानी स्मॉल स्पेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, छोटी जगह में नहीं आ सकता। तो ये थी इसकी कुछ पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज और वीकनेस। तो यार अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में कोई फाइट होगा तो फाइट का कौन होगा, मतलब डायमंड हेड वर्सेस फोरआर्म्स। तो यार जो इनकी फाइट का ऑपोनेंट होगा वो है डायमंड हेड। जी हाँ, डायमंड हेड के पास बहुत स्ट्रेंथ है जिससे वो कभी थकता नहीं है, कितने भी लंबी जंप लगा सकता है वो भी। बट वो क्रिस्टल की भी अटैक कर सकता है जहाँ फोरआर्म्स के पास ऐसा कोई अटैक है भी नहीं। वो इजीली उस पर क्रिस्टल के वार कर सकता है जिससे कि फोरआर्म्स डिफीट हो सकता है। तो डायमंड हेड है थर्ड राउंड का विनर। अब चलते हैं बेंटन एंटीपीडियन वर्सेस बेंटन ओमनिवर्स। तो अब इनका बैटल कराएंगे और जो जीतेंगे उनका एंड में 3-3 का बैटल हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे फर्स्ट राउंड पर बेंटन ओमनिवर्स की तरफ से आ रहा है ग्रेवटेक और बेंटन अल्टीमेट एलियन की तरफ से आ रहा है अल्टीमेट एको एको। तो पहले जान लेते हैं ग्रेवटेक के बारे में। यह ग्रेवटेक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन है। इसके पास कई सारे पावर्स एबिलिटीज हैं जिसकी इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी। ये ग्रेविकनेसिस कर सकता है, ये भी एक साइकिक पावर ऐसा अटैक होता है जिससे ग्रेविटी को अपने थॉट से कंट्रोल कर सकता है। ये किसी भी चीज़ को उठा सकता है केवल अपने थॉट से, हाथों को हिला डुला के। और समझते हो ना, ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है ये। ग्रेविटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स को चाहे तो कम कर सकता है चाहे बढ़ा सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब बात कर लेते हैं इसकी वीकनेस की। तो यार इसकी वीकनेस की बात की जाए तो ये भी एक स्मॉल स्पेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि छोटी जगह में। अब बात करते हैं इसके अपोनेंट की जो कि है अल्टीमेट एको एको। यार अल्टीमेट एको एको ने एक बार तो अल्टीमेट केविन इलेवन को याद हो तो मार ही दिया था। उसके पास कई सारे पावर एबिलिटीज हैं जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी। ये मतलब अपने बगल वाले स्पीकर को छोड़कर उनसे अपने अपोनेंट पर साउंड वेव्स फेंक सकता है जो कि बहुत तेज़ होती हैं, जिनसे मानो अपोनेंट का कान बिल्कुल फट ही जाता है। तो ये सोनिक वेव्स अटैक कर सकता है जो कि बहुत पावरफुल अटैक होता है। तो ये थे इसके कुछ पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज़। अब बात कर लेते हैं अल्टीमेट एको एको की वीकनेस की। तो गैस अल्टीमेट एको एको का जो सूट होता है वो मेटल का बना होता है जिसको लोडस्टार इजीली मैग्नेटाइज कर सकता है और उस पर अटैक कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी सेकंड वीकनेस की। तो यार इलेक्ट्रिसिटी यानी शॉक्स को जैसे कई इलेक्ट्रिक एलियन या पोकेमोन इसको इजीली डिफीट कर सकते हैं, ये इसकी वीकनेस होती है। यार जल्दी जल्दी बताता हूँ, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो अब चलते हैं इनके बैटल की तरफ की। अगर अल्टीमेट एको एको और इसके वर्सेस में है ग्रेवटेक, इसकी फाइट होती है तो फाइट का कौन होगा? तो यार इनकी फाइट का होगा ग्रेविटेक। वो कैसे? यार ग्रेविटेक ग्रेविटी से रिलेटेड अटैक कर लेता है तो वो इजीली उसको मतलब डिफीट कर देगा। अब आप समझ जाओ ग्रेविटी क्या होती है। तो यार हमारा विनर मिल गया फर्स्ट राउंड का जो कि है ग्रेविटेक। अब चलते हैं सेकेंड राउंड की तरफ। सेकेंड राउंड में है टॉयपिक वर्सेस अल्टीमेट हुमांगोसोर। तो चलिए पहले जान लेते हैं अल्टीमेट हुमांगोसोर की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अल्टीमेट हुमांगोसोर के पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, और ये मिसाइल को भी शूट कर सकता है अपने हाथ से। ये लिमिटेड टाइम तक स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है, और भी कई सारे पावर्स एबिलिटीज इसके पास हैं। अब बात कर लेते हैं अल्टीमेट हुमांगोसोर की वीकनेस की। तो यार ये इतना बड़ा शरीर होने के कारण ये एक स्लो एलियन भी बन जाता है, और ये एक स्मॉल स्पेस यानी कि छोटी जगह में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चलिए अब बात कर लेते हैं टॉयपिक की पावर्स का। तो टॉयपिक की सिर्फ एक पावर है, अपना फेस देखकर डराना। उसका फेस इसका इतना स्कैरी होता है कि कोई भी उसका फेस देख के ईजिली डर जाता है। तो बात कर लेते हैं इन दोनों में फाइट हुई तो फाइट का कौन होगा? तो यार अल्टीमेट हुमांगोसोर इसको ईजिली विन कर सकता है, क्योंकि जब तक टॉयपिक अपना फेस उसको दिखाया जाएगा वो उस पर मिसाइल शूट कर देगा, जैसे कि वो हार जाएगा और फिर डिफीट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ यही पावर है ना, अपना फेस दिखाना, और कोई पावर ही नहीं है। इसलिए अल्टीमेट हुमांगोसोर जीत जाएगा। अब चलते हैं थर्ड राउंड की तरफ। सेकंड राउंड का विनर अल्टीमेट हुमांगोसोर है। थर्ड राउंड में है एटॉमिक्स वर्सेस
अल्टीमेट वेबिक। तो यार इन दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज को भी जल्दी से जान लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अल्टीमेट वेबिक की। अल्टीमेट वेबिक बेंटन का सबसे जेंटिलियन है। इसके कई सारे पावर्स एबिलिटी हैं, इसकी इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एबिलिटी, कॉस्मिक रेस, कॉस्मिक स्टॉर्म, कॉस्मिक बेस। ये स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। ये पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। अब जान लेते हैं इसके अपोनेंट के बारे में, जो कि है एटॉमिक्स। यार एटॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन है बेंटन ओमनिवर्स का। इसके कई सारे पावर्स एबिलिटी हैं, इसकी इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एबिलिटी। एक बार तो याद हो तो इसने अल्टीमेट मंगोसोर को तो हरा ही दिया था। ये दरअसल अपने हाथों से न्यूक्लियर शूट कर सकता है और कई सारे पावर्स इसके पास हैं। ये गैस को भी क्रिएट कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से। तो अब जान लेते हैं कि इन दोनों में फाइट होगा तो फाइट करना कौन होगा। तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग तो अभी समझ ही गए होंगे। यार अल्टीमेट वेबिक इसे ईजिली इससे जीत जाएगा एटॉमिक से, क्योंकि वो इतना बड़ा है और कॉस्मिक रेस, कॉस्मिक स्टॉर्म जैसे अटैक उसको ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देंगे। तो इस राउंड का विनर है अल्टीमेट वेबिक। तो चलिए अब चलते हैं लास्ट बैटल की तरफ। जो एलियन पहले 3 जीत गए और ये जो अब 3 जीते हैं। तो बताता हूँ फिर से जो जो नेम हैं एलियंस के, वो थे हीट ब्लास्ट, अपग्रेड एंड डायमंड हेड। और उनके वर्सेस में अब हैं ग्रेव अटैक, अल्टीमेट हुमंगोसोर एंड अल्टीमेट वेबिक। तो चलिए अब इनका बैटल कराएंगे। सो पहला बैटल है ग्रेविटेक वर्सेस हीट ब्लास्ट। दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज मैंने बता दी हैं, अगर नहीं समझे हो तो फिर से वीडियो को देख लेना। अब बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यार इन दोनों में अगर फाइट होगा तो फाइट कौन होगा? ग्रेविटेक। जी हाँ यार, ग्रेविटेक इसलिए क्योंकि हीट ब्लास्ट के पास मानता हूँ फायर के कई सारे अटैक हैं, मगर उसके पास भी ग्रेविटेशनल अटैक हैं सारे के सारे। वो ग्रेविटी को अपने हिसाब से मन चाहे कंट्रोल कर सकता है, चाहे तो उसका कुछ भी उपयोग कर सकता है। तो ग्रेविटेक इसको इजीली विन कर जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड राउंड की। तो सेकंड राउंड में है अल्टीमेट हुमंगोसोर वर्सेस अपग्रेड। तो इन दोनों में फाइट होगा तो फाइट कमर कौन होगा? तो इन दोनों में फाइट कमर होगा अपग्रेड। जी हाँ यार, अपग्रेड। अब कुछ लोग तो लिखना शुरू भी कर दिए होंगे कमेंट में कि अपग्रेड आकर कैसे होगा, बिल्कुल पागल है तू। तो यार बता देता हूँ कारण भी, क्योंकि अपग्रेड इलेक्ट्रिक अटैक भी कर सकता है और वो मतलब कि वो अपने साइज को एल्ट्रेट कर सकता है, चाहे तो बड़ा हो सकता है चाहे छोटा हो सकता है। जब वो मिसाइल शूट करेगा अल्टीमेट मंगोसोर उस पर, तो वो छोटा भी हो सकता है जिससे बच सकता है। तो यार इससे मेरे ख्याल से तो अपग्रेड ही इस राउंड को विन कर लेगा। तो अब चलते हैं थर्ड राउंड की तरफ। थर्ड राउंड होगा अल्टीमेट वेबिक फोर्सेस डायमंड हेड। तो यार अब सीधा सीधा हिसाब है कि अल्टीमेट वेबिक इस राउंड को विन कर लेगा, क्योंकि यार डायमंड हेड तो बहुत छोटा है। आप जैसे चींटी को मसल देते हो तो डायमंड हेड भी चींटी है उस इंसान के आगे, मतलब वेबिक के आगे, अल्टीमेट वेबिक के आगे। तो ईजिली उस पर चाहे तो अटैक से या फिर अपने पैर से ही उसको मसल के रख देगा। तो मेरे ख्याल से तो यही होता है रिजल्ट। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले हैं किसी को भी नहीं। जी हाँ यार, किसी को भी नहीं मिले, सभी को एक एक पॉइंट मिले हैं। बस बेंटन रिबूट को 0, क्योंकि बेंटन अल्टीमेट एलियन का जीता है अल्टीमेट वेबिक, उसको 1 पॉइंट मिला। और बेंटन क्लासिक का जीता है अपग्रेड, उसको 1 पॉइंट मिला। और बेंटन ओमनिवर्स का जीता ग्रेविटेक, तो उसको 1 पॉइंट मिला। एंड गाइस, बेंटन रिबूट यहाँ पर भी फ्लॉप हो गई। तो यार ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया, आई होप आपने पूरा देखा और आपको मज़ा भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक सजेस्ट कर देना। ओके, बाय गाइस।